A very good morning, students. Let's start a new lesson, the last lesson, written by Alphonse Daudet. Okay, let's start the text. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would caution us on participles. And I didn't know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. Students, this lesson is about the war, after war situations. ठीक है कि एक war होता है उसके बाद जो एक area है war के बाद एक particular area पर उसके क्या effect पड़ता है उस theme पर ये lesson based है. ठीक है. I started for school very late. यहाँ पे एक boy है जिसका नाम है French. F R A N Z French. वो क्या कर रहा है अपने बारे में बता रहा है यहाँ पे. I started for school very late. वो बोल रहा है कि मैंने स्कूल जाना शुरू किया, यानी कि वो डेली जाता था. उस दिन भी उसने क्या किया, वो स्कूल जा रहा था very late. उस दिन उसको लेट हो गई थी that morning, उस सुबह. And was in great dread of scolding. Great dread, dread means देखो fear होता है भय. तो in great dread means हो गया भयंकर भय से, वो क्या हो रहा था, of a scolding. Scolding means होता है डांट फटकार. ठीक है, तो उससे डांट फटकार के भय से वो क्या था, बहुत ज्यादा भयभीत था. स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. बिकॉज मीन्स क्योंकि एम हैमल जो थे हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, वो क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे अस मीन्स हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पे बेस्ड वो क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. वो बोल रहा है कि आई डिड नॉट नो, और मुझे, मैं नहीं जानता था, नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे, मतलब उसके बेसिक. फर्स्ट वर्ड मीन्स ये नहीं है कि उसका पहला अक्षर वाला, ये क्या फर्स्ट वर्ड मीन्स क्या है यहाँ पे, जो उसके बेसिक रूल्स होते हैं. ठीक है, जैसे बेसिक रूल्स मीन्स जैसे कि क्या होती है, मकान जब हम बनाते हैं तो उसकी एक बुनियाद होती है. ठीक है, बुनियाद से ही मकान कितना मजबूत है ये पता चलता है. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है, यानी कि हमारा जो बेसिक होती है, हमारी जो बुनियाद है पढ़ाई की, अगर वही कमजोर है तो उसके ऊपर आगे बढ़ना उसमें क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. तो वो भी यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंच कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि मैं जो हूँ वो उसका बेसिक भी नहीं जानता था, किसका, पार्टिसिपल्स का. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, बोल रहा है कि फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं क्या करूं, भाग जाऊं. एंड स्पेंडिंग मीन्स होता है व्यतीत करना, द डे आउट ऑफ डोर्स, और क्या करूं, या तो मैं भाग जाऊं या फिर क्या करूं, वहां से भाग जाऊं और अपना जो दिन है वो बाहर, स्कूल से बाहर क्या करूं, व्यतीत करूं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, वो बोल रहा है कि इट वॉज सो वार्म, उस दिन क्या थी, थोड़ा गर्म था. सो ब्राइट, और क्या था, दिन ऐसा लग रहा था बहुत चमकीला है. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स हैं यानी कि जो चिड़ियाएं हैं, वर चिरपिंग, वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी. चिरपिंग मीन्स होता है चहचहाना. एट द एज मीन्स हो गया किनारा, एट द एज ऑफ द वुड्स, कहाँ, कि लकड़ी के जो है जंगल का जो एक किनारा है वहां क्या है, वुड्स मीन्स आपको पता है जंगल, जंगल के किनारे पे जो चिड़िया है वो चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ट्रलिंग. ठीक है, और एक ओपन फील्ड था, यानी कि एक खुला सा एरिया था, बैक ऑफ द सॉमिल. सॉमिल मीन्स होता है देखो आरा मशीन. ठीक है, सॉमिल होती है आरा मशीन, तो वहां पे एक आरा मशीन थी, उसके बैक साइड में, उसके पीछे की साइड एक क्या था, एक खुला सा क्या था, फील्ड था, यानी कि एक एरिया था खुला सा. द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहां क्या था, जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स. इट वॉज, वो बोल रहा है कि ये सारी चीजें देखना, चिड़ियों का चहचहाना और ये जो सोल्जर्स थे ये क्या कर रहे थे, वहां व्यायाम का अभ्यास कर रहे थे, तो ये सारी, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग,
टेम्पटिंग मीन्स होता है देखो, प्रलोभित करने वाला या फिर अपनी ओर आकर्षित करने वाला। तो वो बोल रहा है कि ये सारी चीजें, चिड़ियों का चहचहाना, सोल्जर्स को देखना, ये क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, टेम्पटिंग था, मुझे प्रलोभित कर रहा था, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, किसकी तुलना में, पार्टिसिपल के रूल याद करने से अच्छा उसे क्या लग रहा था, ये सारी चीजें देखना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, वो बोल रहा है कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति या फिर नियंत्रण शक्ति, टू रेसिस्ट मतलब नियंत्रण, ठीक है, यानी कि उसे अपने ऊपर नियंत्रण था, उसे आत्मनियंत्रण था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, उसके पास क्या था, आत्मनियंत्रण था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ मीन्स होता है जल्दी से जाना, हरीड ऑफ टू स्कूल, तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है, स्कूल जाता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, वो बोल रहे हैं कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, कि जब मैंने क्रॉस किया, यानी कि जब मैं वहां से गुजरा, टाउन हॉल एक जगह थी वहां स्कूल के पास में, वहां से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहां पे क्या थी, देयर वॉज अ क्राउड, क्राउड मीन्स होता है देखो भीड़, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं इसे भीड़, क्राउड मीन्स भीड़। इन द फ्रंट, फ्रंट मीन्स होता है सामने ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बताइए, जहां सूचना पट, जहां आपकी एक बोर्ड होगा वहां पे आपको क्या मिलती है, सूचनाएं मिलती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, स्कूल में भी आपने देखा होगा या ऑफिस में देखा होगा, एक बोर्ड सा बनाए रहते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूज होती है उससे हम वहां पर चस्पा कर देते हैं, ठीक है, हम वहां पर उसे चिपका देते हैं और फिर वहां से हमें सारी न्यूज मिलती है, जिसे हम नोटिस बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड था, वो देखता है कि वहां पर क्या है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, वो बोल रहा है कि लास्ट टू ईयर्स, ठीक है, बीते हुए जो दो साल थे, ऑल आर बैड न्यूज, जो हमारी बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो हमें वहीं से मिलती थी, इस बुलेटिन बोर्ड से। द लॉस्ट बैटल्स, कि हमने कौन कौन से बैटल हार गए, द ड्राफ्ट, कि जो सेना भर्ती है वो अनिवार्य, मतलब अनिवार्य सेना भर्ती के बारे में, कौन कौन से युद्ध हम हारे हैं, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे उन्होंने ऑर्डर्स, मतलब उनकी, उन्होंने क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या आदेश दिए हैं, वो सारी चीजें हमें कहां से, इस बुलेटिन बोर्ड से ही पता चलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, तो वो बोल रहे कि मैंने, आई थॉट, मैंने सोचा टू माई सेल्फ, ठीक है, खुद से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना सोचे, विदाउट मीन्स हो गया बिना, स्टॉपिंग मीन्स रुके, बिना रुके उसने क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ठीक है, कि अब क्या मैटर हो सकता है कि वहां पे दोबारा से क्या हुई है, भीड़ इकट्ठा हुई है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तो उसने बोला देन मीन्स होता है तब, एज आई हरीड, हरीड मीन्स होता है जल्दी, तो वो जल्दी से क्या गया, एज फास्ट एज, जितनी जल्दी, एज फास्ट एज मीन्स हो गया जितनी तेजी से वो जा सकता था, आई कुड गो, वो बोल रहा है कि मैं गया। द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है, लुहार होता है, वॉचर, उसका नाम क्या था, वॉचर था, ब्लैक स्मिथ वॉचर, हु वॉज देयर, वहां क्या था, वॉचर था, ठीक है, वॉचर उसका नाम है, ठीक है, लोहार का नाम है वॉचर, तो वो वहां खड़ा था। विद हिज अप्रेंटिस, विद हिज अप्रेंटिस, देखो अप्रेंटिस मीन्स होता है जब हम कोई नया नया काम सीखते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या मिलती है, सैलरी नहीं मिल रही होती है, तो वो क्या होती है, अप्रेंटिस होती है हमारी, ठीक है, सीखना, ठीक है, जिसे हम ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो वहां पर लोहार था, वो किसके साथ खड़ा था, अपने शिष्यों के साथ खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन, और क्या पढ़ रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था, बुलेटिन यानी कि जो वहां पे सूचना लगी हुई थी उसे पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मेरे पास आया, डोंट गो सो फास्ट, उसने बोला कि डोंट गो सो फास्ट बब, ठीक है, कि उसने बोला मुझसे कि ज्यादा जल्दी मत जाओ, बब, बब मीन्स देखो ऐसा होता है, एक पर्सन जो सोच में डूबा होता है उसे हम बब कहते हैं, बी यू बी, ठीक है। तो उसने बोला कि ज्यादा जल्दी या तेजी से जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और उसने बोला कि इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़े ही टाइम में अपने स्कूल पहुंच जाओगी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, बोल रहा है कौन, लिटिल फ्रेंच कह रहा है कि मैंने सोचा कि ये जो पर्सन है ये ऐसा कह रहा है, तो उसने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीज्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और वो क्या बोला उसके बाद, वो क्या हुआ, उसने सोचा कि उसका मजाक बना रहा है, और रीज्ड एम हेमल्स, वो वहां से निकल गया और कहां पहुंचा, एम हेमल का जो एक छोटा सा गार्डन था, ठीक है, एम हेमल कौन है, टीचर है लिटिल फ्रेंच के, तो उसके, उनके गार्डन के पास पहुंचा हो, देखो जैसे क्वार्टर बने होते हैं स्कूल के एरिया में, तो वैसे ही एम हेमल को भी एक वहां पे क्या मिला था, एक क्वार्टर मिला था रहने के लिए, ठीक है, और वहां पे उसके पास एक गार्डन, आगे से उनके क्वार्टर के आगे गार्डन भी बना था। क्वार्टर मीन्स होता है देखो कमरे जो रहने के लिए मिलते हैं, ठीक है, टीचर्स को या फिर अदर ऑफिसर्स
जो गवर्नमेंट पोस्ट में होते हैं, तो उनके लिए जो रहने की व्यवस्था होती है वो उनके क्वार्टर कहलाते हैं, लिटिल क्वार्टर। वहां पे एक छोटा सा गार्डन भी था, तो वो चलते ही चलते कहाँ पहुंचा, MML के गार्डन के पास पहुंचा, ऑल ऑफ ब्रेथ। यूजुअली यूजुअली मीन्स होता है देखो सामान्यता। वेन स्कूल बिगिन, वेन स्कूल बिगिन कि जब स्कूल खुलता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल। तो उसमें क्या होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल। ग्रेट मीन्स हो गया बहुत ज्यादा, आप जिसे ग्रेट मीन्स महान भी कहते हैं, ग्रेट मीन्स महान यानी कि ज्यादा, बसल मीन्स होता है शोर शराबा। तो वहां क्या था, एक बहुत ज्यादा क्या था, शोर शराबा होता था जब स्कूल खुलता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वो बोल रहा है कि इतना ज्यादा शोर शराबा होता था, इतना ज्यादा हल्ला बच्चे करते थे कि जो वो हल्ला था वो कहाँ सुनाई देता था, हर्ड आउट मतलब सुनाई देता था, आउट मीन्स बाहर, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, ठीक है, गली तक उनका हल्ला सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ठीक है, क्या ओपन करना यानी कि खोलना, एंड क्लोज करना बंद करना ऑफ डेस्क, जो डेस्क आपको स्कूल्स में होते हैं तो उन डेस्क का खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, ठीक है, और एक साथ एक स्वर में जो हम लेसन रिपीट करते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों का खुलना बंद करना, लेसन का एक स्वर में रिवाइज करना, रिपीट करना उसे, ये सारी चीजें इतनी जोर जोर से होती थी कि रोड तक सुनाई देती थी, गली तक सुनाई देती थी, वेरी लाउड, और बहुत लाउड होती थी, तेज होती थी। विद आर हैंड्स ओवर आर एयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे जो हाथ होते थे वो हमारे कानों के ऊपर होते थे, हम अपने कानों को ढक लेते थे, ठीक है, कि हमें जो है क्या हो कि अच्छे से हम क्या कर सके, समझ सके चीजों को। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है, और जो टीचर है उनका ग्रेट रूलर यानी कि जो उनका बड़ा सा डंडा होता था, रैपिंग मतलब उसको पीटते हुए चलते थे ऑन द टेबल। आप इमेजिन भी कर रहे होंगे, ठीक है, आप साथ साथ इमेजिन भी करते जाएंगे कि जो टीचर होते हैं वो क्लास में इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बीच बीच में क्या कर रहे हैं, अपने रूलर को, अपने डंडे को टेबल में पीट रहे हैं, जिससे कि क्या हो, डर बना रहे। तो ऐसे वो टीचर करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बट वो बोले कि आज क्या था, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, ठीक है। देखो ये वैन स्कूल बिगिन, जब स्कूल खुलता था तब की उसने बताई थी कि रोज ऐसा होता था ये सारी चीजें, ठीक है, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बट क्या है, अब वो सारी चीजें क्या है, रुक गई हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, वो बोलता है कि आई हैड काउंटेड, वो बोला काउंटेड ऑन मीन्स होता है आशा होना, ठीक है, तो आई हैड काउंटेड ऑन, उसे पूरी आशा थी। द कॉमोशन, कॉमोशन मीन्स होता है शोरगुल या फिर हल्ला गुल्ला, तो उसे पूरी आशा थी कि वो इस शोरगुल के बीच, इस हल्ले गुल्ले के बीच टू गेट टू माई डेस्क, तो वो क्या करेगा कि चुपके से कहाँ चले जाएगा, अपनी डेस्क में चले जाएगा विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी को दिखे वो चुपचाप से इस हल्ले गुल्ले के बीच अपनी सीट में पहुंच जाएगा, ऐसा उसे पूरी आशा थी। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट वो बोल रहा है कि दैट डे, बट ऑफकोर्स पर क्या था, लेकिन दैट डे उस दिन एवरीथिंग सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट, कितना कैसा था, क्वाइट मीन्स होता है शांत, हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, क्वाइट था जैसा कि रविवार की सुबह को होता था। देखो संडे को क्या होता है, हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है, तो जब स्कूल बंद रहते हैं तो ये सारी चीजें जो उसने यहां भी ऊपर वाले स्टेंजा में बताई कि डेस्क का खोलना, बंद करना, एक स्वर में हमारा जो लेसन है हमारा उनको रिपीट करना, ठीक है, और वो जो टीचर का रूलर है उसके आवाज, वो सारी चीजें जो रोड तक सुनाई देती थी, स्ट्रीट तक सुनाई देती थी, गली तक सुनाई देती थी, ठीक है, वो आज कैसी थी, और दिनों के जैसी नहीं थी, आज बिल्कुल शांति थी, कैसे, जैसे कि रविवार की सुबह होती है, क्योंकि रविवार को क्या होता है, स्कूल बंद रहता है, आपका संडे को आपका स्कूल बंद रहता है, तो संडे को जैसा स्कूल के आसपास शांति रहती थी वैसा ही आज भी उसको लग रही थी लिटिल फ्रेंच को। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, वो हो रहा है कि थ्रो मीन्स होता है के द्वारा, द विंडो मीन्स हो गया खिड़की, आई सॉ माई क्लासमेट्स, उसने क्या देखा, सॉ मीन्स हो गया देखना, माई मीन्स मेरे, क्लासमेट्स मीन्स हो गया जो उसके साथी हुए हैं क्लास में पढ़ने वाले, तो उसने अपने साथियों को देखा खिड़की से, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब क्या थे, अपनी जगह पे बैठे हुए थे, एंड MML वॉकिंग अप, और जो MML जो उनके टीचर थे वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे वॉक कर रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, किससे, टेरिबल मीन्स होता है डरावना, आयरन रूलर मीन्स क्या हो गया, जो लोहे की क्या होती है, एक छड़ी होती है, रूलर होता है, स्केल होता है, तो वो उनके हाथ में क्या कर रहे थे, उसको लेकर के वो ऊपर नीचे घूम रहे थे, अंडर हिज आर्म, और वो उन्होंने रूलर कहाँ दबाया था, अपनी कहाँ, बगल में दबाया था उन्होंने, ठीक है, अपनी आर्म के बगल में दबाया था,
आई हैड टू ओपन द डोर, वो बोल रहे कि आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे क्या करना पड़ा, दरवाजा खोलना पड़ा एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ, वो कह रहे कि यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं. हाउ मीन्स कितना, आई ब्लस्ड, मैं शर्माया हूंगा, ठीक है, शर्मिंदगी मुझे हुई होगी. एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ठीक है, और कितना फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ आई वॉज मीन्स मैं होंगे, ठीक है. वो बोल रहा है कि तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि इतने खतरनाक टीचर, जिसके रूलर भी बहुत खतरनाक था, भयानक लग रहा था, ठीक है, वो बहुत हम उनसे क्या करते थे, डरते थे, तो वो उनके सामने दरवाजा खोल के अंदर जाना और वो शर्मिंदगी की सारे बच्चों के सामने आप क्लास के अंदर एंटर कर रहे हो. एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि वो बोल रहा है कि मैं कितना डरा हुआ था. आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो इन चीजों की. बट नथिंग हैपन्ड, बट उसने बोला कि जैसे ही मैं अंदर गया, नथिंग हैपन्ड, नथिंग मीन्स हो गया कुछ नहीं, हैपन मीन्स होना, बट कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा. एंड सेड, और उन्होंने कहा, वेरी काइंडली, काइंडली मीन्स हो गया विनम्रता से, गो टू योर प्लेस क्विकली, कि गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, ठीक है, उन्होंने बोला लिटिल फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, ठीक है, वी वर बिगनिंग, हम स्टार्ट कर रहे थे विदाउट यू, तुम्हारे बिना. आई जम्प्ड ओवर द बेंच, उसने क्या किया, जम्प किया और बेंच पे बैठ गया. एंड सेट डाउन, ठीक है, बेंच के ऊपर से गया वो और वहां बैठ गया. एट माई डेस्क, अपनी डेस्क में. नॉट टिल देन, ठीक है, वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. वो बोलते नॉट टिल देन, अभी तक मैंने गैस नहीं किया था. वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है, देखो फियर से बनाया फ्राइट, तो फ्राइट मीन्स होता है डर से, यानी कि जब तक वो अपने डर से बाहर नहीं आया, ठीक है. डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, तब तक उसने ऊपर नहीं देखा, तो उसने क्या किया, जब ऊपर देखा, डिड आई सी दैट आर टीचर, कि हमारा जो टीचर है, यानी कि जो एम हेमल हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, ठीक है, कि जो हमारी टीचर एम हेमल है, उन्होंने क्या पहना है, ग्रीन कलर का सुंदर सा कोट पहना है अपना. हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मीन्स होता है, देखो हिज मीन्स हो गया उनकी, फ्रिल्ड मीन्स हो गया जो आपके स्टेप से कपड़ों में झालर सी बनी रहती है, उन्हें बोलते हैं फ्रिल्ड, ठीक है. तो उसकी क्या थी, फ्रिल्ड ग्रीन कलर का कोट पहना था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट थी, ठीक है, उनकी जो शर्ट थी वो कैसी थी, फ्रिल्ड थी, उसमें क्या बने हुए थे, फ्रिल बने हुए थे. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसपे क्या थी, एम्ब्रॉयडर हुई थी, एम्ब्रॉयडर मीन्स होता है डिजाइनिंग बनी हुई थी, कढ़ाई हुई थी. देखो आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे उनका कोट दिखाया है, ग्रीन कलर का शर्ट पहनी है उन्होंने, यहाँ पे क्या है, फ्रिल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये शर्ट में तो ये बने हुए हैं फ्रिल्स, ये उनकी क्या है, हैट है, सिल्क, सिल्क से बनी हुई हैट है ये, ब्लैक कलर की. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें वो किस दिन पहनते थे, जब इंस्पेक्शन होता था, जब निरीक्षण का दिन होता था, निरीक्षण करने कोई बाहर से आता था, तब वो ये सारी चीजें पहनते थे. एंड प्राइज डे, या फिर उस दिन पहनते थे जिस दिन प्राइज मिलने वाले होते थे. बिसाइड्स के अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम, उनके अलावा पूरा स्कूल जो था वो कैसा लग रहा था, स्ट्रेंज, आश्चर्यजनक लग रहा था. एंड सोलम मीन्स होता है शांत, शांत लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, बट उसने बोला, जो लिटिल फ्रेंच है वो बोल रहा है कि बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, कि वहां एक चीज थी, दैट सरप्राइज मी, जिसने मुझे क्या किया, आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वॉज टू सी, सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, कि देखने के लिए ऑन द बैक बेंचेस, कहां, जो लास्ट के बेंचेस है वहां देखने के लिए इन सारी चीजों ने मुझे क्या किया, फोर्स किया, सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया. दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो बैक बेंचेस थे वो हमेशा क्या रहते थे, एम्प्टी रहते थे, खाली रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, और जो वो बोल रहे कि वो खाली रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग, वहां क्या थे, जो विलेज के लोग थे, ठीक है, गांव के जो लोग थे वो क्या थे, बैठे हुए थे. क्वाइटली मीन्स चुपचाप, लाइक आवरसेल्फ, हमारी तरह, ठीक है. कौन कौन थे उसमें, देखो जो गांव के लोग थे कौन कौन थे उसमें, ओल्ड हॉसर था एक, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और ओल्ड जो हॉसर था उसकी क्या थी, तीन कोने की क्या थी, हैट थी. हैट मीन्स क्या होता है, हैट भी एक प्रकार की क्या होती है, कैप होती है, ठीक है, टोपी होती है. तो उसने तीन कोने वाली क्या पहनी थी, हैट पहनी थी. द फॉर्मर मेयर, और कौन आया था वहां, जो पहले, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व का, मेयर
ठीक है, जो पूर्व का मेयर था वो आया था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर जो पहले का हमारा पोस्टमास्टर था वो भी वहां आया था, द सेवरल अदर बिसाइड्स और उनके बगल में क्या थे कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, कहां लास्ट के बेंचेस में, एवरीबडी लुक्ड सैड और सभी कैसे लग रहे थे, सैड मीन्स दुखी लग रहे थे, एंड हॉसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर और जो हॉसर था वो क्या लेके आया था, एक ओल्ड प्राइमर लाया था, थम्ड एट द एजेस और उसमें क्या था किनारे पे क्या थे उसके किनारे पे थम्ड यानी कि अंगूठे के निशान बने हुए थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज और उसने इसे क्या करा था अपने घुटने पे, नीज मीन्स हो गया घुटने पे, उसे खोला विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस और वो क्या कर रहा था जो उसका स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल मीन्स जो उसका चश्मा है वो उनको बड़े गौर से देख रहा था. While I was wondering about it all, वो बोल रहा है कि जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था, M. Hamel mounted his chair, तो उन्होंने क्या किया अपनी चेयर पे एक टच किया, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी और उन्होंने क्या किया सेम उसी जेंटल ग्रेव मीन्स आश्चर्यजनक जेंटल मीन्स सन टोन से मुझसे बात की ही यूज टू मी ठीक है ही यूज टू मी सेट माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन उन्होंने बोला कि माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों दिस इज द लास्ट लेसन कि ये लास्ट लेसन है कि ये क्या है अंतिम पार्ट है आपका आई शैल गिव यू जो मैं आपको पढ़ाऊंगा द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन ठीक है जो ऑर्डर है जो आदेश हैज कम फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से एक आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन ठीक है टू टीच मीन्स हो गया पढ़ाना ओनली मीन्स केवल जर्मन मीन्स जर्मनी जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ठीक है कहाँ विद्यालयों में ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन लॉरेन और एल्सिस और लॉरेन के विद्यालयों में यानी कि स्कूल्स में ओनली क्या पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी ऐसा एक ऑर्डर आया था कहाँ से बर्लिन से द न्यू मास्टर कम्स टुमारो ठीक है द न्यू मास्टर नया मास्टर जो जर्मन पढ़ाएगा आप लोगों को वो कल आएंगे ऐसा उन्होंने बोला दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन उन्होंने बोला दिस मीन्स हो गया यह इज मीन्स है यूअर मीन्स तुम्हारा लास्ट मीन्स अंतिम फ्रेंच लेसन मीन्स जो फ्रेंच पार्ट है आपका ठीक है अभी तक क्या पढ़ रहे थे ये सारे लोग क्या पढ़ रहे थे फ्रेंच पढ़ते थे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ते थे अब ऊपर से बर्लिन से ऑर्डर आया तो अब उनको क्या पढ़नी है जर्मन पढ़नी है तो एमएमएल सारी चीजें कहते कि अब आपको कल से जर्मन पढ़नी है आपके एक न्यू टीचर आएगा जो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन और ये आपका क्या है लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव वो बोलते है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से सुने ध्यान से सुने वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी ठीक है Oh, the wretches और ये सारी चीजें वो कहते हैं that was what they had put up at the town hall और ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी टाउन हॉल में हो रही थी वहां पे वो क्या बोलते हैं कि उन्हें सुनने के लिए ध्यान से उन्हें सुनने के लिए बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू